आज अपने लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं वाम पक्ष दाया पक्ष, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। आप ये बराबर ये कर सकते हो, ये बराबर ये कर सकते हो, या इसको अलग कर सकते हो, नंबर सेम मिलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं लिखूंगा यहां पे बराबर दूंगा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक जो टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक जो कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर, बराबर आखिर खींचेंगे। देखिए एक होता है लाइक टर्न, क्या होता है लाइक टर्न, होता है लाइक टर्न, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हैं तो टेंथ में पढ़ना बेवकूफी है, वापस से जूनियर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। लाइक तो लाइक यानी कि सजातीय, सजातीय पद, और अनलाइक, अनलाइक विजातीय पद, इतना आपको पता रहना चाहिए तभी आपके लिए टेंथ है, नहीं तो आप पढ़ने रहे हो एक तरीका से खेल कर रहे हो। ये तो ये दोनों क्या है, अनलाइक है, ये दोनों भी अनलाइक है। देखिए यहाँ पे देखिए शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और प्लस, प्लस एक एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। लाइक वाला को क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। चलिए नाउ प्लस टेनिस का थीटा, टेनिस का थीटा प्लस कोटस का थीटा। अब यहाँ पे इसको ऐसा ही का ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, ये भी लाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप क्या हो, प्रेशर हो ना, तो अभी आप थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें अटपटा आपको लगे जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, तो अभी इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, इसको गौर से देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अपना विवेक बुद्धि यूज करोगे, इस टाइप का लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू ए पी। देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, फिर प्लस है तो प्लस है, तो बी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, फिर प्लस तो प्लस। अब आप बोलोगे कि सर ए भी है, यहाँ पे ए भी नहीं है, देखिए यहाँ भी ए भी नहीं है, तो वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या दूंगा जिससे मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इधर मैं इसको इसे लिख सकता हूँ टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कोट, यहाँ पे कोट है सीओटी कोट थीटा का स्क्वायर, यानी कि टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि सेम चीज यही वाला चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यानी कि ये वाला ए और ये वाला बी, यही दोनों का दोनों यहाँ पर है, यहाँ भी सेम केस अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक गणितज्ञ थे, नाम था हेरियोट, ठीक है, हेरियोट, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि दो चीजों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहेगा, ठीक है। उन्होंने वो जो हेरियोट थे ना, वो गुना के लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे, वो बोलते थे ऐसे करके गुना, यानी कि कोप है ना, बिंदु है ना, तो एक तरीका से गुना है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे हमें एक बात बताइए, दो और एक के बीच में क्या है, गुना है, तो टू ए बी आप ऐसे लिखो, या टू ए बी आप ऐसे लिखो, या टू ए बी ऐसे लिखो, एक ही बात है। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, गुना लगा सकता हूँ, या ठोक दे सकता हूँ, यानी कि बिंदु डॉट या कुछ होने देंगे मेरा मतलब, ठीक है। अब देखिए ये रिपीट हुआ, देखिए यहाँ पे टेंटा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, क्लियर। अच्छा फिर यहाँ पे गुना है, फिर गुना बी, ये वाला भी यहाँ पे चिपक गया, ये वाला भी यहाँ भी चिपक जाएगा। अब देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो समय मैं बताता रहता हूँ, हालांकि इस टाइप का कभी भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क न पड़े, सारी याद कर लीजिएगा, कुछ भी करे फर्क न पड़े, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये किसान भी मर जाए लाठी में न टूटे, यानी कि इस लेन को तोड़ेंगे, अगर आपको ऊपर का लेन आ गया तब तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज गलत है, आराम से आ गया। देखिए टेन थीटा दो बार है, देखिए आ गया प्लस तो प्लस, इसको दो बार लिखेंगे, देखिए आ गया प्लस तो प्लस, यहाँ पे देखिए दो है। अब देखो टेन थीटा कोट थीटा का फॉर्मूला एक होगा, दो गुना एक तो दो, यानी कि इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो दो गुने टेन थीटा कोट थीटा का क्या होगा, एक हो गया, दो हो गया, यानी कि ये है लेकिन नहीं है, बात समझे ना, ये है लेकिन नहीं है, नॉलेज में के रहता है लेकिन पढ़ते नहीं है उस टाइप का। अच्छा अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा, क्लियर। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटे बी,
कट का क्या हो जाएगा बी बटे पी, ठीक है ठीक है, करके 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 एक आया, नहीं तो आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्लियर। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे एक चीज गलती हो गया उसके लिए सॉरी, वो गुना है ना, यहाँ पे क्या होगा गुना होगा मल्टीप्लाई होगा, करके 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 एक आया, समझ गए यहाँ तक। अच्छा नाउ अब थोड़ा नीचे देखिएगा एक सेकेंड, अब थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ए प्लस बी कौन है उसका ए बी वाला सवाल रहता है ना, ए बी हुआ एक्स वाई वाला सवाल आता था एक्स वाई होता, पी की बना रहता था पी की होता, यहाँ पे ए बी है ए बी है तो यहाँ पे थोड़ी देंगे, यहाँ पे एक जगह पर टेन एक्सपायर है ना टेन थीटा है ना, यहाँ पे क्या दे देंगे टेन थीटा दे देंगे, क्या दे देंगे टेन थीटा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बी है तो बी हो गया, यहाँ पे बी की जगह पर कोट है कोट बी है पी है ए है ए है, यहाँ पे क्या दे देंगे कोट थीटा दे देंगे, ठीक है। अच्छा ऊपर में स्क्वायर है स्क्वायर चिपका देंगे, क्या इसमें दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का अगर कोई सवाल देगा ना आपको, इस टाइप का सवाल देगा ना, आप इसे दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि रूट सिर्फ दो बार है, एक बार लिख दीजिए दो बार लिख दीजिए, ठीक है, रूट यहाँ भी है, ठीक है, रूट यहाँ भी है तो बाका वाला रूट दे दीजिए, दोनों को इसमें ऐसे करके डाल दीजिए। अब आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो का जोड़ा लगेगा युग्म 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 मतलब जोड़ा, दो तीन है एक तीन निकलेगा, ऐसा बना सकते हैं, नहीं तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट नौ होगा निकलेगा तो तीन, ठीक है। फिर कोई स्टूडेंट ऐसे भी बना सकता है, दो है यहाँ पे दो छुपा हुआ है कट गया तीन, एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा बने हुए नहीं करेगा, ठीक है, तो कैसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर इस टाइप करेगा तब आप नहीं काटिएगा, ये तीन है ये दो है तब नहीं कटेगा, यहाँ पे तीन रहेगा यहाँ पे तीन रहेगा तब कटेगा, यहाँ पे सात रहेगा यहाँ पे सात रहेगा तब कटेगा, उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि सर्स आप लोग पढ़े होंगे कि जो रूट में रहता है उसको सर्स करते हैं, तो अगर इस टाइप पर रहता है सात रहेगा, ठीक है, सात रहेगा और यहाँ पे दो रहेगा यहाँ पे तीन रहेगा, इसको जब आप तोड़ेंगे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए रेशो का पावर है और यहाँ पे इसको ये हो गया कि ऊपर में लिखा है ना, इसको ऊपर में देंगे इसको नीचे में देंगे, क्लियर। तो देखिए सात हुआ तो सात हो गया, ऊपर में दो है तो ऊपर में दो हो गया, नीचे में क्या हो गया तीन हो गया, बात समझे ना। देखिए सात है यहाँ पे ए है, इसको बेस बोलते हैं आधार बोलते हैं, सात है तो यहाँ पे ये ए हो गया, ऊपर में दो है यहाँ पे एम हो गया, तीन है एन हो गया, तो ए है ए यहाँ पे लिखे एम ऊपर में दिया ना, तो ऊपर में न्यूमिनेटर यानी कि दैट मीन्स अंश में चला गया, इसको डिनोमिनेटर हो गया, तो सेम टू सेम इसको सेट किए। अब देखिए अब यहाँ पे आप अगर इस टाइप का अगर बनाइएगा, इस टाइप का अगर मान लीजिए इसको ऐसे करके खींचेगा तीन है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए तीन है, तो मैंने क्यों बोला कि कट जाएगा, आप ऐसे अब नहीं काटिएगा फिर भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए ए है यहाँ पे दो है, तो ए है यहाँ पे दो है तो दो दे देंगे, ऊपर में तीन है तो ऊपर में तीन, फिर ये वाला कटोरी में जो है यानी कि रूट में ये तीन है तो तीन दे देंगे, कट गया कट गया, दो का पावर एक तो दो, पास समझे ना, तो आप ऐसे करके और आओ कुछ भी करके बनाओगे। देखिए आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, कहीं पर जाना है, ठीक है, आप घर से भले ही पचास तरीका पचास रास्ता आप अपनाइएगा, लेकिन मंजिल तो सेम है ना, अब किसी को आगरा जाना है तो रास्ता भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन आगरा तो अपने जगह पे है, तो कहने का मतलब यह है कि आंसर आपका सेम आएगा, तरीका अलग होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दो है और यहाँ पे ये दो छुपा हुआ है, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, आप ऐसे कैंसिल करो या वो फॉर्मूला अप्लाई करो या जोड़ा में तो अलग करो बराबर। अब यहाँ पे इसको मैं उतार दूंगा, अब देखिए अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या लगा देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस, तो प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला करेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्लियर। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा साइन बटे कोस, प्लस तो प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस बटे साइन। अब आप बोलिएगा सर होता तो बहुत सारा चीज है, तो देखिए थोड़ा सा दूरगामी सोच करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब थोड़ा आगे आगे आपका दूरदृष्टि होगा। तो मैं पहले समझ गया कि इसको मैं देखिए पहला तो रीजन है हम टीचर है, हमें तो एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, इसलिए मैं मतलब इस मार्ग तरीका से बता रहा हूँ। सेकेंड रीजन है कि प्रैक्टिस करते हैं, थर्ड रीजन है थोड़ा दूर की सोचते हैं, मैं पहले समझ गया कि इसको कैलकुलेशन करूंगा ना तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, आपको उतना नहीं चलेगा प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा, क्लियर। अच्छा नौ बराबर देंगे, अब यहाँ पे लकीर खींचेंगे। अब हमें एक बात बताइए, दो तीन का लघुत्तम
कितना होता है, नहीं लगेगा तो गुना होगा 6, 7 तीन अलग उतम नहीं लगेगा तो 30, एक्स वाई अलग उतम नहीं लगेगा तो एक्स वाई, यानी कि दो अलग अलग चीज होगा, उसका अलग उतम नहीं लगेगा तो वही का वही होगा। तो देखिए कोस थीटा साइन थीटा दोनों अलग अलग है ना, उसका उसका एलसीएम वही का वही हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम एक बात बताइए, थोड़ा सा जूनियर क्लासेस में आप लोग देखते होंगे इस टाइप का रहता है, ऐसे करके 2/3 रहेगा प्लस 5/2 रहेगा, तो लकीर खींचेंगे 3 × 6 होता है, बचा बच्चे सब क्लास में। अब देखिए 3 को कितना पढ़ेंगे 6 आएगा, दो बार हमको नहीं पता कि 3 को कितना पढ़ेंगे 6 आएगा, क्या करते हैं शेप ऊपर देते हैं, ठीक है 3 को नीचा देते हैं, कर गया करके 2 आ गया। एग्जैक्टली यहाँ पे वही अप्लाई कीजिए, इसको देखिए हमको आता है कि इसको कितना पढ़ेंगे आएगा, जैसे ये कर जाएगा ये बच्चा, मान लीजिए जिसको नहीं आता इसको क्या करेगा, ऊपर करेगा, ऊपर देगा न्यूमिनेटर में, दैट मीन्स अंश में, ठीक है इसको ऊपर देगा, इसको क्या देगा नीचे देगा, कर गया कर गया साइन थीटा हो गया, इसको कितना पढ़ेंगे आएगा साइन थीटा पर, बस उस साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेगा तो साइन एक्स का थीटा हो जाएगा, क्यों क्योंकि गुणा में पावर जुटता है भाग में पावर घटता है, साइन थीटा इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, क्या हो जाएगा साइन एक्स का थीटा होगा, बात समझ रहा इस ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एक का पावर एम प्लस है। अच्छा प्लस ऊपर सेम चीज यहीं पर भी साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस को कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस का थीटा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बराबर लकीर खींचेंगे। अब देखिए साइन एक्स का थीटा प्लस कोस का थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको से करके उतार देंगे, इसको क्या करेंगे उतार देंगे। क्लियर? नाउ अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत, कोस थीटा फिर इंटू 1 − sin θ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए साइन एक्स का थीटा प्लस कोस का थीटा 1 हुआ, बात समझ ना, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे क्या बताया जाता है कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, आराम से फर्क नहीं पड़ा। देखिए 1 को गुना करेंगे, देखिए 1 आ गया, कोस थीटा साइन थीटा को गुना करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है इस लाइन को तोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा ना, ऊपर क्या तोड़ेंगे क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, ऐसे करके रिवर्स में चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है यानी कि हम सही आ रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 1/cos θ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सच थीटा हो जाएगा ना, 1/cos θ का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। अब लेगा सर ई गुना ऐसा दिया है कुछ नहीं, ये वाला गुना का साइन देखे जैसा क्वेश्चन है डॉट दे दीजिए, ठीक है यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा जैसा इधर है ना उस टाइप का, उधर ये वाला गुना है ये वाला दीजिए। अपने लोग क्या हुए मालूम है, अपने लोग नौकर हुए किसके क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन मालिक हुआ, मालिक बोल रहा है यहाँ पे डॉट देना है, तो अपने लोग भी क्या देंगे डॉट देंगे, ठीक है तो sec थीटा 1/cos θ (sec θ) × 1/sin θ (cos θ) ये हो गया RHS। अब आप बताइए आपको पूरा नंबर चाहिए कि थोड़ा सा कटाएंगे, तो सर पूरा नंबर चाहिए आपको, फाइनल रिजल्ट लिखने का रहेगा यहाँ पे, हैंस देना मत रुकिएगा नहीं तो नंबर कटेगा, हैंस LHS = RHS, ठीक है प्रूफ।